हाई एंड वेलकम टू द फाद हुसैन यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो वेलकम टू द लीयर एलजेब्रा कोर्स मैथ बिहाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम एलजेब्रा पढ़ रहे हैं और प्रीवियस सेशन से हमने मैट्रिक्स के टॉपिक को स्टार्ट किया है इस सेशन पे हम जानेंगे कि मैट्रिक्स ट्रांसपोज क्या होता है इसमें इस्तेमाल होने वाले ऑपरेशन सम डिफ्रेंस और स्केलर मल्टीपिकेशन क्या है लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताते चलूँ कि इस रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं आप फाद हुसैन सी एस सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे और उस पर क्लिक करने के बाद आप उसके प्ले लिस्ट पर जाएंगे और तमाम डिफरेंट डिसिप्लिन की हैं विद ईज आप यहाँ से वॉच कर सकते हैं इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कॉन्टेंट या पी पी टी स्लाइड फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग पर फहद हुसैन सी एस ब्लास्पॉट डॉट कॉम पर आने के बाद वो तमाम चीज़ें आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं लिहाजा अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर जानकारी मिले और इसी तरह की नत नई चीज़ें बर आसानी के साथ आप सीख सकें तो सबसे पहले प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की अगर मैं बात करूँ तो हमने लास्ट से लास्ट सेशन के अंदर कुछ वैक्टर के वो ऑपरेशन पाथन के जरिए प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखें जो हम प्रीवियसली सेशंस पर थ्योरेटिकल वाइज या लॉजिकल वाइज अंडरस्टैंड कर रहे थे बिल्कुल इसी तरह से मैट्रिक्स के जो ऑपरेशन आज के हम सेशन पे कर रहे हैं या अपकमिंग में करेंगे वो एट लास्ट हम पाइथन के जरिए से प्रैक्टिकल परफॉर्म करके भी देखेंगे ताकि लॉजिकली और प्रैक्टिकल वर्क हमें बेहतर तरीके से समझ में आए तो स्टार्ट करते हैं सबसे सब पहले हमें समझना है कि ट्रांसपोज है क्या चीज़ जैसे कि हम प्रीवियस सेशन पे जान चुके हैं कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है जो कि डिफरेंट ड्रॉज और कॉलम्स के साथ ऑब्जेक्ट के कलेक्शन या नंबर्स के कलेक्शन को कहा जा रहा था तो ट्रांसपोज का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जो कि एम बाई एन का है जिस विच मीन डिफरेंट रॉज या डिफरेंट कॉलम्स उसमें मौजूद हैं विच मीन रॉज एन कॉलम सो अगर मैं हमारे मैट्रिक्स के नाम को ए टी से रिप्रेजेंट करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि उस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोर्ट लेना है समटाइम ए बार से बी से रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसकी सिंपल एग्जाम्पल ये है कि आप अपने रॉज को कॉलम में और कॉलम को रॉज में कन्वर्ट कर देते हैं जैसे आप एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो यह हमारा एक औरजिनल मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स में डिफरेंट रॉज एंड कॉलम है जिस तरह अगर आप इसे काउंट करें तो ये थ्री बाय टू का मैट्रिक्स है यानी इसमें थ्री रॉज हैं और टू कॉलम्स हैं तो इस वक्त ये रॉ वन है यह रॉ टू है और रॉ थ्री है तो इस रॉ तो को मुझे कॉलम में कन्वर्ट करना है यानी जीरो फोर इस वक्त रॉ में है ये यह यहां पर आके कॉलम वन बन गया सेवन जीरो यहां पर कॉलम टू बन गया और थ्री वन यहां पर कॉलम थ्री बन गया तो इस तरह से आप अपने बेसिक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इस मैट्रिक्स का दोबारा से ट्रांसपोज निकालूं तो ये वापस से मुझे वही मैट्रिक्स मिल जाएगा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है और इसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अगर आप अपने मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज करेंगे तो वो एट लास्ट आपको वापस वही मैट्रिक्स मिल जाएगा जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा तो पहली चीज़ हमने ट्रांसपोज की डेफिनेशन और वर्किंग देख ली दूसरी चीज़ हमारे पास एडिशन है मैट्रिक्स का या सब्ट्रैक्शन है हमें सबसे पहले यहाँ पे एक रूल समझना होगा कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमें यह देखना होगा कि जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक ए मैट्रिक्स दिया गया है और इसे बी पर हमें ऐड करना है तो इन दोनों के दरमियान जो कॉम्बिनेशन ऑफ द रॉस एंड कॉलम है वो दोनों सेम हो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ए हमारे पास टू बाय टू का है तो B भी हमारे पास टू बाई टू का होगा तभी इनके दरमियान एडिशन पॉसिबल है बिल्कुल इसी तरह से अगर थ्री बाई टू का मैट्रिक्स हमारे पास A है तो थ्री बाई टू बी बी का होना चाहिए ताकि इनके दरमियान एडिशन पॉसिबल हो इसकी वजह यह है कि जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम एलिमेंट वाइज करते हैं एलिमेंट वाइज का मतलब ये है कि हर एक नंबर को दूसरे मैट्रिक्स के उसी एलिमेंट्स uh, ऐड करते हैं एग्जाम्पल समझते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ ए एंड बी आर बोथ एम बाय एन मैट्रिक्स सो वी कैन परफॉर्म ए प्लस बी बाय एडिंग कॉरिस्पॉन्डिंग एंटिटीज़ या एंट्रीज़ सो so, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और इसी तरह से यह मैट्रिक्स है बी तो इस वक्त आप इस मैट्रिक्स को देखें तो ये थ्री बाय टू की है और इसी तरह ये भी थ्री बाय टू की है तो इस, इस तरह से जो रूल हमने देखा वो यहाँ पर अप्रूव uh, हो चुका है उसके बाद एलिमेंट वाइज से मुराद ये है कि इस मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट दूसरे मैट्रिक के पहले एलिमेंट के साथ ऐड होगा विच मीन ज़ीरो प्लस वन इक्वल टू वन सिमिलरली फोर प्लस टू सिक्स सेवन प्लस टू नाइन ज़ीरो प्लस थ्री 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 प्लस ज़ीरो थ्री एंड वन प्लस फोर इक्वल टू फाइव तो इस तरह से ये वो मैट्रिक्स है जो हमारे पास ए प्लस बी के फॉर्म पर आ चुका है बिल्कुल इसी तरह से अगर आप सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सेम लॉजिक यहां पर इस्तेमाल होगी और एलिमेंट वाइज ही हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे Uh, नीचे एग्जाम्पल में आइडेंटिटी uh, मैट्रिक्स के साथ इसे सब्ट्रैक्ट करके दिखाया जा रहा है तो अभी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ तो ऐसे नहीं करते हैं बल्कि उसी एग्जाम्पल्स को ही कंसिडर करते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद है तो उसी के बेस पर यह सब्ट्रैक्शन भी होगी लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक रूल समझ लेते हैं जो दो मैट्रिक्स के एडिशन के लिए इस्तेमाल होती है तो सबसे पहले हमारे पास क्यूमुलेटिव लॉ है यानी अगर मैं मैट्रिक्स ए को बी के साथ ऐड करूँ या बी को ए के साथ ऐड करूँ बोथ विल बी सेम एसोसिएटिव रूल के अंदर ए प्लस बी प्लस सी यानी ए प्लस बी दो अलग मैट्रिक्स हैं इन दोनों को पहले ऐड किया और उसके बाद अगर मैंने इसमें सी ऐड किया तो ये बराबर हो जाएगा सी प्लस बी देन ए के ठीक है सो वी कैन राइट ए प्लस बी प्लस सी एज वेल इसी तरह से अगर किसी एक मैट्रिक्स में आप जीरो मैट्रिक्स को ऐड करें तो वो बराबर होगा जीरो प्लस ए के और इसी तरह से ए मैट्रिक्स को अगर ए से ही सब्ट्रैक्ट करें तो जीरो के बराबर होगा ट्रांसपोज हम चुके हैं अगर मैं ए प्लस करने के बाद ट्रांसपोज लूं तो वो बराबर हो जाएगा ए मैट्रिक्स के सेपरेट ट्रांसपोज के पी मैट्रिक्स के सेपरेट ट्रांसपोज के आफ्टर एडिशन बोथ ऑफ दैम तो ये इनके कुछ प्रॉपर्टीज थी मैट्रिक्स मल्टी एडिशन के इसी तरह से सप्ट्रैक्शन को भी हम यहीं पर समझ लेते हैं जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि इस वक्त ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो इसकी जगह मुझे टू बाई टू का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होगा तो विच मीन वन जीरो जीरो वन तो इस तरह से अगर मैं इनके दरमियान सबट्रैक्शन करूंगा तो ये पहला एलिमेंट इस पहले एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा विजमीन वन माइनस वन इक्वल टू जीरो फिर सिक्स माइनस जीरो सिक्स नाइन माइनस ज़ीरो नाइन एंड थ्री माइनस वन इक्वल टू टू तो इस तरह से ये मैट्रिक्स हमारा सब्ट्रैक्शन के बाद आ रहा है यानी इस आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह मैंने वन ज़ीरो जीरो वन लिखा जो कि आइडेंटिटी का आ, की फिगर है या लिखने का तरीका है और उसके बाद हमने सेम एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्शन इसमें इस्तेमाल की और इस तरह से ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमारा रिजल्ट आ गया मीन अगर मैं इसे कहता हूँ a माइनस बी या आप इसे कह लें a माइनस आई दैट्स विल बी सेम देन द लास्ट वन स्केलर मल्टीपीकेशन जिस तरह से हम वैक्टर पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते थे और उसके बाद हमने देखा था कि स्केलर भी बिल्कुल वैक्टर में पॉसिबल है बिल्कुल इसी तरह से आप मैट्रिक्स में भी स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मुराद ये है कि मैट्रिक्स आपके पास किसी ना किसी फॉर्म पर हो विच मीन एम बाय एन और उस एम बाय एन मैट्रिक्स में आप किसी भी स्केलर वैल्यू को मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट ले सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त हमारे पास एक मैट्रिक्स है थ्री बाई टू का वन सिक्स नाइन थ्री सिक्स ज़ीरो इसे हम माइनस टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल ये उसी रूल को फॉलो करेगा जो अभी एडिशन या सब्ट्रेक्शन पर हमने देखा था एलिमेंट वाइज विच मीन इस माइनस टू विल बी मल्टीप्लाई बाय वन नाइन सिक्स सिक्स थ्री ज़ीरो तो बिल्कुल आप देखें वन मल्टीप्लाई बाय जीरो सॉरी वन इज माइनस टू नाइन टू जै एटीन माइनस सिक्स टू जा ट्वेल्व माइनस सिक्स टू ट्वेल्व माइनस थ्री टू दिक्कस एंड जीरो विल बी मल्टीप्लाई द रिजल्ट विल बी जीरो तो ये स्केलर मल्टीपिकेशन का कॉन्सेप्ट है लेकिन वे, आ, वेरी नेक्स्ट सेशन हम मैट्रिक्स टू मल्ट मैट्रिक्स मल्टीपिकेशन स्केलर एंड क्रॉस प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे तो स्केलर के क्या रूल्स हो सकते हैं अगर हमारे पास दो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं और हम उसे मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सेपरेट आ, मल्टीप्लाई बाय द ए मैट्रिक्स एंड सेपरेट मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स के बराबर होगा इसी तरह से अगर आप हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं उन दोनों को ऐड करने के बाद अगर एक स्केलर क्वांटिटी अल्फा से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो ये वो बराबर होगा सेपरेट मल्टीप्लाई बाय ऑफ द मैट्रिक्स वन एंड सेपरेट मल्टीप्लाइ मल्टीप्लाय बाय मैट्रिक्स पी का समीशन uh, सिमिलरली अगर मैं किसी मैट्रिक्स को जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा जिस तरह से हम एक वैक्टर को किया करते थे वो जीरो के बराबर होगा और इसी तरह किसी वन से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका भी रिजल्ट वन के बराबर ही आएगा तो इस तरह से हमने इस सेशन पर अभी तक जाना कि मैट्रिक्स में एडिशन किस तरह से मुमकिन है सब्ट्रेक्शन कैसे हो सकती है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है